as you can see in this problem, the problem is based on both the concepts. In the problem, the complement and the supplement both are together. And what is the problem? Find the angle whose supplement is 4 times its complement. Supplement 180 degree, complement 180 degree. तो सप्लीमेंट 4 टाइम्स ग्रेटर है कंप्लीमेंट का, तो वो नंबर निकालना है। अब मान लीजिए एक्स नंबर है तो कंप्लीमेंट कितना होगा, मतलब उस एक्स नंबर का, और सप्लीमेंट कितना होगा। ऑब्वियस है कि एक्स है तो नंबर क्या क्या होगा, एक्स है तो 180 हो जाएगा माइनस एक्स, दैट इज दी सप्लीमेंट। सप्लीमेंट एंड 90 माइनस एक्स इज द कंप्लीमेंट, दैट्स क्लियर। फिर उसी में इसमें भी वैसे ही लिखेंगे कि माना, या फिर सपोज दैट एक्स इज द एंगल, देन इट्स कंप्लीमेंट इज 90 minus x and its supplement is 180 minus x. And what we have to solve that, उस कोण का मान याद करें जिसका संपूरक, मतलब 180 minus x, जिसका संपूरक उसके पूरक का, मतलब किसका, 90 minus x का कितना टाइम्स है, 4 times. And so this is the only important aspect that you have to understand. इसी पे थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करने की जरूरत है, कभी रटना नहीं है, एक बार समझ लें जीवन भर प्रॉब्लम आपका हो जाएगा। सो लेट अस सॉल्व, और 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू 360 माइनस एक्स 4x, और माइनस इधर ही ले लें या इधर ले लें, माइनस एक्स ये इधर ले लें प्लस 4x, और इधर 360 माइनस 180, और ये माइनस है ये प्लस है, तो हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 360 माइनस 180 इज इक्वल टू 180। सो x इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 360, तो दैट इज 60 डिग्री, मतलब वो नंबर 60 डिग्री है, तो उसका कंप्लीमेंट कितना होगा, सॉरी सप्लीमेंट होगा 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120। उसी तरह से इसका कंप्लीमेंट कितना होगा, 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30। मतलब हमारा सवाल बना कि नंबर इज 60, हमारा सवाल इतना ही बनता था, लेकिन हमने कहा कि हम वेरीफाई करेंगे। वेरिफिकेशन में हमने पाया कि सप्लीमेंट का मान 120 है और कॉम्प्लीमेंट का मान 30 डिग्री है, और ये 4 टाइम्स है 120 30 का, मतलब ये जो पूरक है वो अपने संपूरक का 4 गुना है। इन दिस वे वी हैव सॉल्व्ड द प्रॉब्लम। सो दिस इज वेरी इजी इफ यू आर करेक्टली एबल टू राइट दिस स्टेप।